पल्ला जो है कि वो किस तरह से बनाया जाता है। तो दोस्तों विंडो पल्ला बनाने के लिए हम सबसे पहले जो कि रोटर मशीन से होल करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फाइनली फ्रेम पे जो कि होल करके पूरे से जो है कि हमने कंप्लीट कर लिया, देख सकते हैं। वरना दोस्तों डायरेक्टली एक ही जगह कटिंग करके हम इसे आल फेंकते हैं तो फटने का चांस रहता है, तो इसलिए हम जो कि इसको इस तरह से कटिंग करते हुए ले जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को असम वुड कारपेंटर चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं जो कि आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो कि एक वेंटिलेटर विंडो पल्ला जो है कि वो किस तरह से बनाया जाता है। तो दोस्तों विंडो पल्ला बनाने के लिए हम सबसे पहले जो कि रोटर मशीन से होल करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग देखिए एक रोटर मशीन से भी जो कि होल किस तरह से किया जाता है। तो हम जैसे आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि एक रोटर मशीन से इस तरह से विंडो पल्ला फ्रेम को जो होल करके करेंगे, और होल करने के बाद इसका फिटिंग भी करके मैं फाइनली कंप्लीट करके जो कि मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों हमने इस वेंटिलेटर विंडो पल्ला बनाने के लिए जो लकड़ी हमने 4x1.5 इंच का लकड़ी लिया है। तो चलिए इसी तरह से देखिए हमने होल करके रेडी कर लिया। इसी तरह से चलिए बाकी सारी लकड़ी को भी होल करके कम्प्लीट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फाइनली फ्रेम पे जो कि होल करके पूरे से जो कि हमने कंप्लीट कर लिया, देख सकते हैं कुछ इस तरह हमने होल करके जो कि हो चुका है रेडी। तो हमने होल करके हो चुका है रेडी। अभी दोस्तों इसके जो कि साइड में इसके फ्रेम जो होता है वो लगाने का साइड वाला फांसी जो उसके होल उसका जो कि होल करके आल कटिंग करने का काम रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका चलिए होल भी करते हैं और इसके साथ में आल भी कटिंग करने का काम शुरू करते हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो पे और देखिएगा मैं किस तरह से इसका आल वगैरह कटिंग करके जो कि फिटिंग करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से आल कटिंग करने का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पहले यहाँ पे ले लिया हूँ, अभी हम कटर मशीन से इसका जो है कि आल कटिंग कराऊँ। ये देखिए कुछ इस तरह से, तो होल हमने इसका होल पहले कर लिया हूँ, होल करने के बाद ही इसका जो कि आल कटिंग करने का काम शुरू कर रहा हूँ, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो चलिए इसी तरह से हम सारे कटिंग करके रेडी करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने जो कटर मशीन इस तरह छोटे छोटे पीस में कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से कटिंग करने से क्या होता है कि हमारा आल कटिंग करके फेंकने में बहुत ही आसान होता है। वरना दोस्तों डायरेक्टली एक ही जगह कटिंग करके हम इसे आल फेंकते हैं तो फटने का चांस रहता है, तो इसलिए हम जो कि इसको इस तरह से कटिंग करते हुए ले जाएंगे और उसके बाद सारे इस तरह से कटिंग करेंगे, फिर इसके बाद आल कटिंग करने का काम शुरू करेंगे। तो चलिए फट से कटिंग करके जो कि इस तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो कि आल कटिंग करने का काम जो शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने जो है कि आल कटिंग करके पूरी तरह से इस तरह से रेडी करके रख लिया, देख सकते हैं। तो यहाँ कि हमने जो कि चिन जो लगाया हुआ है उस चिन के बराबर हमने कटिंग करके रखा हुआ है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो चलिए अब बिना देर के इसको जो कि आल कटिंग करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पीस ले लिया हो आल कटिंग करने के लिए, ये देखिए कुछ इस हम इसको जो कि आल कटिंग करने वाले, ये देखिए कितनी आसानी से कटिंग होता है, ये बिल्कुल भी फटने का चांस नहीं है दोस्तों, इस तरह से देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये कटिंग करके हो जाता है हमारा रेडी। तो चलिए दोस्तों आप इसी तरह से बाकी हम जो कि आल कटिंग करके पूरी तरह से कम्प्लीट करते हैं, फिर उसका जो कि
फिटिंग करने का काम करेंगे। तो आप लोग भी देखिए दोस्तों किस तरह से फिटिंग भी किया जाता है। तो चलिए बिना देरी फटाफट से अल कटिंग करके करते हैं कंप्लीट। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो कि आल कटिंग करके फाइनली पूरी तरह से जो कि हमने रेडी कर लिया, देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा बनकर हो चुका है तैयार। तो चलिए दोस्तों अब बिना देरी के इसको फिटिंग करने का काम शुरू करते हैं। तो आप लोग भी देखिए दोस्तों एक विंडो पल्ला हो या विंडो के पल्ला हो वो किस तरह से फिटिंग किया जाता है, तो वो मैं आप लोग दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के फिटिंग करने का काम जो है वो शुरू करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों मैंने फाइनली भेंडर के पल्ला को जो कि फिटिंग करके हमने तैयार कर लिया, कुछ इस तरह से हो गया है हमारा। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये काम करने का तरीका और ये भेंडर का डिज़ाइन जो वो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों ने अब तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि दोस्तों जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है तुरंत आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से ऐसे ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर फिर से एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।